ऑफ कंट्री से कह सकते हैं, इटली से हैं, तो उनका भाषा आप कैसे समझती हैं? मेरी बेटी लोग समझाती है, लड़के लोग सब इंग्लिश पढ़े हैं, सब समझाते हैं मुझे, मेरी बात उसे समझाते हैं, उसकी बात मुझे समझाते हैं। अपना विश्वकर्मा जी ये बताइए, आपके घर में विदेश से चलकर एक बहू आती है, उसे कह सकते हैं कि आपकी भाभी, कैसा लगता है परिवार में, क्या माहौल? अच्छा है, सब खुश है। हाँ। बहू आपकी आई, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? विदेश से आए हैं। जो प्रेम प्रसंग था, लव अफेयर कहते हैं, कितने दिनों से था ये? उन लोगों का लगभग एक साल से था, हमको साल था शुरू से ही। हाँ। आपके भैया आपको बताते थे? हाँ, हमको बताए थे। इस वक्त कहाँ पे हैं आप? मेरी भाभी कतर जा रही है, वो बनारस स्टेशन पे होंगी। बहुत याद आती है, जैसे लड़की जाती है ना उनके अपनी मम्मी की, तो वो ऐसे ही याद आ रही है, उनकी बहन जैसी, भाभी जैसी। आपकी बहू विदेश से चल के आई है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे नात रिश्तेदार, गांव गड्ढा सब खुश हैं। उसका मन एकदम उतरा था, एकदम वो जाना नहीं चाहती थी, सोचती थी मैं परिवार में रहूं। एक मंत्रणा क्या? हाँ, अरे जिस समय गई थे उस समय तो खूब रोने का मन कर रहा था, कि कितना रो ले उसे पकड़ कर, जितना उसका माया लगता था उतना बेटौआ का नहीं लगता था। बहू झगड़ा करे ना? झगड़ा करे ना करे, विश्वास बा। हाँ, झगड़ा ना करे। हमारा बेटा जिसमें खुश है हम भी खुश हैं। कितने बेटे हैं आपके? तीन बेटे हैं। ये किसरे नंबर के हैं? दूसरे नंबर के हैं। ये बताइए क्या नाम है आप? सपना विश्वकर्मा। सपना विश्वकर्मा जी, ये बताइए आपके घर में विदेश से चलकर एक बहू आती है, उसे कह सकते हैं कि आपकी भाभी, कैसा लगता है परिवार में, क्या माहौल? अच्छा है, सब खुश है। खुश हैं आप लोग? क्या उनकी भाषा समझ पाती हैं? जिस तरीके से वो लैंग्वेज में बात करती होंगी कहीं ना कहीं, तो आप लोगों को समझ में? हाँ, समझ में आता है, बस मम्मी को मौसी को छोड़कर और सबको आता है समझ में। मम्मी को, मौसी और आपके पिताजी? हमारे पिताजी आए नहीं हैं, हमारे मौसा हैं वो। आपके मौसा हैं? मौसा को आता है। देखा जाए तो आप यहाँ से नहीं हैं, आपका घर कहीं दूर? हाँ। आप अपनी मौसी के यहाँ? हाँ। और यहाँ आने के बाद काफी अच्छा लगता है अपनी भाभी से मिलने? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त कहाँ पे हैं आप? मेरी भाभी कतर जा रही है, वो बनारस स्टेशन पे होंगी। मतलब वापस यहाँ शादी होती है, रिसेप्शन होता है, तमाम चीज़ें होने के बाद वापस चली जाती हैं आउट ऑफ कंट्री। कहाँ पर गई? कतर चली गई हैं। फिर भी घर में खुशियों का माहौल बना हुआ है? हाँ, उनको बहुत याद किया जा रहा है, काफ़ी याद किया जा रहा है। जिस तरीके से परिवार के बीच में रहती है, अपना प्यार दुलार कहते हैं, जो छोड़ कर चली जाती हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप लोगों को याद आती हैं? हाँ, बहुत याद आती है, जैसे लड़की जाती है ना उनके अपनी मम्मी की, तो वो ऐसे ही याद आ रही है, उनकी बहन जैसी, भाभी जैसी। ये बताइए क्या नाम है? तनु विश्वकर्मा। जो आपके यहाँ एक बहू आई है, कहते हैं विदेशी बहन, क्या लगता है आपकी, क्या लगती है? मेरी भाभी लगती है। आपकी भाभी लगती है, कैसा लगता है आप लोग? बहुत अच्छा लगता है। बातचीत करने में आप लोगों को दिक्कतें नहीं होती हैं? उनका लैंग्वेज अलग है? नहीं, वो बोलती हैं, लेकिन हम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आता है और नहीं आता है। थोड़ा बहुत समझ में आता है। क्या क्या कह के बुलाती थी आप लोग? भाभी जी। भाभी जी, नमस्ते वमस्ते करना हुआ और कुछ पूछना हुआ तो कैसे बात करते? हम लोग भाभी प्रणाम बोलते हैं, हाथ ऐसे पैर भी छूते हैं। वो भी मतलब हिंदी में बात कर लेती? हाँ, थोड़ा बहुत कर लेती। थोड़ा बहुत पूरा समझ में नहीं आता था। खुशबू। खुशबू जी, ये बताइए आपके यहाँ एक विदेशी भाभी आई हैं, आपकी भाभी हैं, काफ़ी दूर से चल कर आई हैं, आपके परिवार में शादी भी हो गया है, आपके परिवार में क्या माहौल है और किस तरीके से, किस नज़रिए से आप अपनी भाभी को देखते हैं? आप देख ही रहे हैं, सब लोग कितने खुश हैं उनसे, भाभी हैं हमारी तो भाभी के नज़रिए से देखेंगे। जैसे कहते हैं कि जब इंडिया में शादी होती है कहीं ना कहीं कुछ माहौल अलग होता है, वहीं वो भी आउट ऑफ कंट्री से चल के आई हैं, तो वो उनका क्या माहौल है और घर परिवार में कैसे? अच्छे से रहती थी, बहुत प्यार से रहती थी, सबकी जानती हैं। हाँ, सबके हिसाब से सबको इज्जत दे रही हैं, सबसे बात कर रही हैं, सब कुछ। उनका जो लैंग्वेज है आप लोगों को समझ में आता है? हाँ, हम लोगों को समझ में आता है, थोड़ा मम्मी को दिक्कत होता है समझने। मम्मी को दिक्कत होता है, बाकी आप लोगों को सब समझ में आता है? बिल्कुल। आपके भैया भी काफी खुश हैं, सब पूरा परिवार खुश? हाँ, भैया तो खुश ही रहेंगे, उनके मन से शादी तो खुश नहीं है। बताइए आप लोगों को कुछ पता है उनका जो प्रेम प्रसंग था, लव अफेयर कहते हैं, कितने दिनों से था?
ये उन लोगों का लगभग एक साल से था, हमको साल था शुरू से ही। हाँ, आपके भैया आपको बताते थे? हाँ, हमको बताए थे। उसके बाद यहाँ पे चल के आते हैं, पूरा शादी ब्याह यहीं पे होता है। किस मंदिर में होता है? त्रिलोचन महादेव। त्रिलोचन महादेव में, वाराणसी जिले के त्रिलोचन महादेव में उनकी शादी संपन्न होती है और घर पर रिसेप्शन होता है। हाँ, घर पर रिसेप्शन था। और आज वो आउट ऑफ कंट्री के लिए निकल चुके हैं। हाँ, वो गए हैं आज। फिलहाल अभी ये उनकी बहनें थी, तमाम लोग थे, उनसे बातचीत की है। अभी यहाँ उनके मम्मी पापा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस तरीके से, किस नज़रिए से एक बहू को ये लोग देखते हैं। अखिलेश विश्वकर्मा की मम्मी हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जो विदेशी बहू इनके साथ में रहने के लिए आई है, आखिर उनका व्यवहार इनके साथ कैसा है, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे कहीं ना कहीं इंडिया से गाँव के अगर जो बहुएँ होती हैं, कहीं ना कहीं सास बहुएँ में अक्सर ऐसा झगड़ा लड़ाई तमाम ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। फिलहाल उसी सारे मुद्दों को देखते हुए इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए माताजी, क्या नाम हुआ? संगीता देवी। संगीता देवी, आपकी बहू विदेश से चल के आई है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे नात रिश्तेदार, गांव गड्ढा सब खुश हैं, सब। थोड़ा टाइम के लिए कुछ विरोध, जब तक नहीं आई थी तब तक विरोध किए सब लोग कि पता नहीं कहाँ की है, कि जात बिरादर कौन है, दस विरोध किए, लेकिन अब सब खुश हैं। अब सब खुश हैं? हाँ, सब खुश। परिवार में खुशियों का एक माहौल बना हुआ है। हाँ। और आप लोगों के साथ में ही रहती थी? हाँ, साथ में रहती थी। अभी इस वक्त शायद वो निकल चुकी हैं बाहर? हाँ, वो एयरपोर्ट गई। अच्छा, जैसे पहले अभी आप देखती होंगी, आप भी गांव से हैं, गांव की जो बहुएं आती हैं कहीं ना कहीं एक सास बहू में कभी आज पटती है कल नहीं पटती है, झगड़ा होता रहता है, क्या लगता है ऐसी बहू है आपकी? नहीं नहीं, ऐसी बहू नहीं है, मेरी बड़ी बहू भी वैसी नहीं है और छोटी जो आई है वो तो एकदम नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी है वो, एकदम सीधी है और भाषा भी नहीं समझती है तो क्या झगड़ा करेगा ये। वो आप तो गांव से हैं, गांव से बिलोंग करती हैं, आपकी बहू जो है आउट ऑफ कंट्री से कह सकते हैं, इटली से हैं, तो उनका भाषा आप कैसे समझती हैं? मेरी बेटी लोग समझाती है, लड़के लोग सब इंग्लिश पढ़े हैं, सब समझाते हैं मुझे, मेरी बात उसे समझाते हैं, उसकी बात मुझे समझाते हैं, उनका भाषा ट्रांसलेट करके आपको समझाते हैं कि ये आपकी बहू आपसे बात करना चाहती है, आपसे बोलना चाहती है। आज सुबह सुबह उठ के क्या आपके पाँव छूती? समझाना वो हर बात मुझे समझाना चाहती थी कि कैसे मैं मम्मी को समझाऊँ, मतलब बोलती थी फिर इशारे से समझाती थी कि मैं ये बोल रही हूँ, तो कोई कोई बात समझ में आ जाता था, कोई कोई नहीं आता था। तो माता जी से सवेर में उठ के पतो ही है चाय बना के देते, वो बहुओं देते नहीं अभी तक तो कुछ, हम बोले नहीं कुछ करने के लिए उसे, अब अगली बार आएगी तो करेगी, करती है, खाना वाना बनाती है, लेकिन ये हम नहीं करवाए इस बार। आप करवाए नहीं भाई, कहीं ना कहीं वो बाहर आउट ऑफ कंट्री से हैं, उनको कहने के लिए भाई आप करवाई नहीं? हम लोग इतना खुश थे उसको, उसका सिधाई देखकर उसे मन नहीं बढ़ा कि उसे बोलेंगे चलो किचन में कुछ करो। हाँ, इतने गांव देश वाले क्या कुछ क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे गांव देश हर मतलब दूर दूर तो नहीं देखे, लेकिन अपने अगल बगल सब खुश हैं, एकदम बहुत खुश हैं, सब सब खुश हैं। हाँ, सब खुश हैं, और गांव के दो चार लोग आती हैं वो भी बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अभी कोई किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं है? सब कोई गल लाल यार से शादी में, त्रिलोचन शादी पर सब कोई गल लाल, सब कोई आशीर्वाद है सभी भी। गांव जो था त्रिलोचन महादेव में शादी हुई थी उनकी, वहां पे पूरा गांव गया? हाँ हाँ, सब कोई गल लाल, सब रुसे परोसे करे सैकड़न जने, वहां भीड़ लगल लाल मने इनके। ये बताइए माता जी, कितने दिन थी आपके साथ? कितने दिन आपके साथ थी? यही 10 दिन थी। 10 दिन थी आपके साथ, उसके बाद आप लोगों को छोड़कर चली गई, क्या लगता है आप लोग दिक्कत? अरे आज उसका मन एकदम उतरा था, एकदम वो जाना नहीं चाहती थी, सोचती थी मैं परिवार में रहूं। रोक मंत्रणा कहा था? हाँ, अरे जिस समय गई थी उस समय तो खूब रोने का मन कर रहा था कि कितना रो ले उसे पकड़ कर, जितना उसका माया लगता था उतना बेटा को नहीं लगता था। बेटे का माया छोड़कर बहू पे आ गया? बहू पे आ गया। बहू झगड़ा करे ना? झगड़ा करे ना करे, विश्वास बा। हाँ, झगड़ा ना करे, झगड़ा लायक नहीं करेंगे तो क्या करेगी झगड़ा। अरे कौन सास थोड़ा बहुत नहीं बोलती है, बोलती है ना सभी, वही बहू है, मैं बोल देती हूँ, अभी तक जवाब नहीं की कभी। अभी यहाँ दादी हैं, दादी से भी थोड़ा बातचीत करेंगे। दादी ये बताइए, बहू आपकी आई, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। हाँ अच्छा, बताओ कहाँ से आए हैं? विदेश से आए हैं। सेवा हुआ करत रही? हाँ, सेवा कहे ना करी है, आए नहीं तो बेटा के बिहार के लिए तो सेवा ना करी। हाँ, बतावा गांव देश का कहा? गांव देश सबके बढ़िया खुशी है, चार चक्कर गाड़ी ले गए लिया है मैंने, के इतना परिवार यहाँ गांव देश गलन त्रिलोचन महादेव। और
खूब बढ़िया सेवा सत्कार हो रहा गांव देश में, एकदम सब खुशी का माहौल। तब वहाँ मतलब गाड़ी कई दू थे, चार चक्कर गाड़ी कैले, इतना इतना लोग गल रहा। फिलहाल अभी यहाँ अखिलेश विश्वकर्मा जी के पिताजी हैं और यहाँ तो परिवार के तमाम लोग हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। अखिलेश विश्वकर्मा की भाभी हैं, इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे, क्योंकि कहते देखते हैं कि अक्सर जो कहते हैं देवरान और जेठान की बात जाती है, तो कहीं ना कहीं इनकी देवरानी है और आप जो इस परिवार में नहीं है, शायद वो आउट ऑफ कंट्री के लिए रवाना हो चुकी हैं। क्या नाम हुआ? खुशबू विश्वकर्मा। खुशबू विश्वकर्मा जी, बताइए आपकी देवरानी कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी हैं। कितने दिन आप लोगों के बीच में रही? 10 दिन। 10 दिन, 10 दिन आप लोगों के बीच में रहती हैं, खाना पीना आप लोग ही बनाते हैं? जी। आप लोग उनको खाना बनाने के लिए नहीं बोली? नहीं, अभी तो नहीं, अभी पहली बार आई थी, अब आएंगी तो बनाएंगी। बाकी उनका जो कहते हैं प्यार दुलार था और लोगों के बीच में कैसा था? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था जी। तो मतलब आप सोच जो एक सोच होती है जी, जिसे सोच होती है कि अपने इंडिया की जो कहते हैं बहुएं होती हैं, आने के बाद तमाम प्रकार के ऐसे कहते हैं कि परिवार पे आरोप भी लगा देती हैं, जाने के बाद अपने मायके के परिवार नहीं सही है, ये नहीं सही है, ऐसा कुछ है? नहीं, बाकी परिवार बहुत सक्षम है, चल रहा है, अच्छा ठीक है। और आपके देवर के साथ में भी काफी हंसी खुशी से रहते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से। फिलहाल ये अखिलेश विश्वकर्मा की भाभी थी, उनसे बातचीत की है, बातचीत करके भी हम काफ़ी चीज़ें जानने का प्रयास करें। अभी उनके पिताजी हैं, उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। ये बताएं पिताजी क्या नाम है? सुभाष चंद्र विश्वकर्मा। सुभाष चंद्र विश्वकर्मा जी, ये बताइए आपके बेटे से उनकी पहली मुलाकात कब हुई थी, ये कुछ पता है आपको? 6-7 महीने पहले हुई। 6-7 महीने पहले उनका जो लव अफेयर चल रहा था, प्रेम प्रसंग, आपको बताए थे? नहीं, हमको नहीं बताया। आपको नहीं बताया? अब माँ को। कहीं ना कहीं उन्हें डर लगता होगा कि पिताजी को कहेंगे तो हो सकता है कि हमारे ऊपर बिगड़ जाएं या कुछ हमको बोलें, डर लगता होगा? ऐसी बात कोई नहीं थी, लेकिन हमको नहीं बोले थे, अपनी माँ को बोले, माँ ने हमको बोला, हम एक्सपेक्ट किए भाई चलो हमारा बेटा जिसमें खुश है हम भी खुश हैं। कितने बेटे हैं आपके? 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं, ये किसरे नंबर के हैं? दूसरे नंबर के हैं। ये कितने पढ़े हैं? ये होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए हैं। कोर्स करके ये आउट ऑफ कंट्री रहते हैं? हाँ, वहीं रहते हैं, वहीं प्रेम प्रसंग किए, पर शादी इंडिया में की। हाँ, शादी इंडिया में की। उसके बाद आज वो चले गए? हाँ, आज गए। तो कैसा उनका व्यवहार, आपकी जो बहू थी, आप लोग उनका भाषा समझ पाते थे, लैंग्वेज? थोड़ा बहुत हम समझते थे, थोड़ा इशारों में बात होता था, समझते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ अगर नहीं समझ आता तो मेरा बेटा ट्रांसलेट करके बताता था। बाकी परिवार बहुत अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। गांव समाज में क्या दिन माहौल? सब अच्छे हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, सबको पसंद है। फिलहाल अभी मेरी मौजूदगी थी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, आपको बता दूँ ये एक ऐसा परिवार है, इस परिवार में मौजूद हूँ अभी। यहाँ पे एक हफ्ते पहले यहाँ पे एक शादी हुई, जो इटली की एक लड़की होती है और उत्तर प्रदेश का एक लड़का, अब एक युवक कह सकते हैं, जिनकी शादी यहाँ इंडिया में होती है, कहीं ना कहीं इटली से वो लड़की चल करके इंडिया में आती है और प्रेम प्रसंग का मामला था। फिलहाल अभी शादी भी हो चुकी है, परिवार काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है, आज वो वापसी आउट ऑफ कंट्री के लिए रवाना भी हो चुके हैं। इनसे ढेर सारी बातें की, बात करके भी काफ़ी अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।